दोस्तों, तो फाइनली 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हमारा लाइफ लॉन्ग फिट प्रो ट्रेडमिल आखिरकार हमारे पास आ चुका है। सामने बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस टाइप का ट्रेडमिल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के पैकेट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या है इसमें, सारी चीज़ें आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो आपको 3 साल की फुल बॉडी वारंटी, 1 साल का मोटर का और 1 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलती है। चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे पैक करके भेजा गया था, जहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये है वॉकिंग पैड जिसके ऊपर आप वॉक करोगे या फिर जॉगिंग करोगे। यहाँ पे आपको LED पैनल और साथ ही साथ एक टोटल कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। क्या है सारा डिटेल आके आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ट्रेडमिल आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर सबसे पहले अभी इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे इन दोनों हैंडल्स को आपको पकड़कर धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है और उठाते ही आपका ट्रेडमिल कुछ इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे सेट हो जाएगा। अभी इसका जो बॉक्स में मिला था उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन ऑयल की छोटी सी बॉटल मिलती है, साथ ही साथ इसमें दो कुछ इस टाइप के हैंडल कवर्स देखने को मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कि हैंडल कवर्स किस काम में आते हैं और किस तरह से इसे सेट किया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक नॉब देखने को मिलता है। सबके इस्तेमाल आपको आगे जाकर पता चलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक और नॉब देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दो नट्स देखने को मिलते हैं। क्या है इसकी वर्किंग, सारी चीज़ें आगे। एक एलन की मिलता है जिसके एक साइड पर तो कुछ हेक्सागोनल शेप बना हुआ है, दूसरे साइड पर स्क्रू ड्राइवर का बना हुआ है। साथ ही साथ एक नट और एक स्प्रिंग का अटैचमेंट मिलता है। देखेंगे इसे कहाँ और किस तरह लगाना है और ये हमारे किस काम में आने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक अटैचमेंट मिलता है जिसे हम सेफ्टी की भी कह सकते हैं। उसके अलावा आपको दो स्क्रूज एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये स्क्रूज को भी हम कहाँ सेट करेंगे इंस्टॉलेशन के दौरान, ये सारी चीज़ें आपको चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों स्क्रू को लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस हैंडल को इस तरह से नीचे की तरफ दबाओगे तो यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे आपको होल देखने को मिलेगा। ये होल नीचे वाले इस फ्रेम के होल से अलाइन करना होगा और अलाइन करने के बाद आपको जो दो स्क्रूज मिले हैं तो एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में दोनों तरफ आपको टाइट करना होगा। चलिए फटाफट से इसे हम टाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे स्क्रूज जो हैं वो टाइट होंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे अच्छे से फिट कर देंगे। आगे जो भी स्क्रूज ढीले होंगे उसे हम अच्छे से फिट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत अच्छे से फिट कर दिया है। अभी ये जो LED पैनल है या फिर कंट्रोलर यूनिट है, ये देखिए आप बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इसके पीछे भी आपको एक स्क्रू, एक नॉब स्क्रू देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से है, इसे भी आप टाइट करो और टाइट करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से ये होल्ड हो जाएगा। उसके बाद से ये आपका जो पैनल है, कंट्रोलिंग पैनल है, वो हिलेगा नहीं। उसके बाद जो आपको दो अटैचमेंट दिया गया था, स्प्रिंग और नट का, ये वाले अटैचमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, इस स्क्रू को इस वाले अटैचमेंट में हम टाइट करेंगे। ये एक्चुअली में जब आप अपने मशीन को फोल्ड और अनफोल्ड करोगे उस दौरान ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये एक तरीके से लॉकिंग सिस्टम है। जब आप मशीन को फोल्ड कर दोगे तो उस समय आपके मशीन के पैड को ये लॉक करके रखेगा। ये देखिए, इसमें स्प्रिंग देने का ये फ़ायदा है कि जब आप इसे इधर की तरफ खींचोगे तो ये ऑटोमेटिक उधर की तरफ चला जाएगा। तो अभी आपको बताते हैं कि ये दोनों हैंडल कवर्स को हम कैसे लगाएंगे और किस कहाँ पे लगाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हैंडल के जहाँ पे हम हैंडल होल्ड करेंगे उसके बगल में एक जो फ्रेम को टाइट करने के लिए नट दिया हुआ है, उसी नट को छिपाने के लिए और साथ ही साथ थोड़ा सा आपके हैंडल के लुक को और प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ पे हैंडल कवर्स दिए गए हैं। इसे आप जब अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा फैलाते हुए आप जब सेट करोगे फिर आपको दबाना होगा और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी प्रीमियम लुक आने लगा। चलिए दूसरे वाले को भी लगा लेते हैं। तो दोनों हैंडल कवर्स हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छे से ये सेटिंग हो। यहाँ पे फ्रेंड दो एक्स्ट्रा नट्स मुझे देखने को मिले। मैंने बहुत खोजा ये कहाँ यूज़ होगा, बट ये मुझे समझ में आया नहीं। मे भी हो सकता आगे समझ में आए, देन आपको बता दूंगा। अभी ये स्क्रू की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंड आप देखेंगे कि एक आपको नट देखने को मिलता है, ये उसी का स्क्रू है। एक्चुअली जब आप इसे फोल्ड करते हो तो यहाँ पे जो ये नट दिया हुआ है उसके नीचे एक कटआउट है जिसके थ्रू नट बाहर निकल जाता है। बट अगर ये वाला नॉब जो है वो यहाँ पे लगा होगा, रुकिए एक मिनट, मैं फोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया तो जो लॉकिंग सिस्टम था उसके थ्रू ये लॉक हो गया। इसे हटाएंगे तो फिर ये अनलॉक हो जाएगा और ये अनफोल्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो ये नॉब दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, इसे हम जब इस बोल्ट के ऊपर टाइट करेंगे तो टाइट करने के बाद होगा ये फ्रेंड कि ये जब मैंने इसे फोल्ड किया था तो उस समय ये स्क्रू से जो एक कटआउट बनाया वहाँ से स्क्रू बाहर निकल गया था, बट अब जब ये टाइट हो जाएगा देन ये स्क्रू से बाहर नहीं निकलेगा, यानी काफ़ी सेफ्टी के तरीके से लॉक हो जाएगा। तो अभी ये सिलिकॉन ऑयल के बारे में बताते हैं। ये सिलिकॉन ऑयल एक्चुअली पैड को लुब्रिकेंट का काम करता है और ये बहुत हजार्डियस होता है फ्रेंड, अपने बच्चों से इसे बहुत दूर रखिए, खुद से भी। इससे पहले आपको होल करना होगा, होल करने के बाद मैं एक मिनट पास में ला के दिखाता हूँ। ये जो पैड को इस तरह से उठाना है और फिर अच्छे से इस पर स्पिल करना है, इस तरह से अच्छे से फैलाते जाएंगे आप, और ये इसके चारों तरफ करना है, जहाँ तक पैड उठेगा वहाँ तक आपको लगाना है, बहुत अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से लेकिन इसे लगा देना है। जब एक बार आप लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरे वॉकिंग पैड पे अच्छे से फैल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक सेटिंग दिया हुआ है, जिसे आप तोड़ दोगे अगर तो ये इस ढक्कन बन जाएगा इस डिब्बे का, जिससे ये स्पिल आउट ना हो आपका सिलिकॉन ऑयल। ये थोड़ा महंगा आता है इसलिए थोड़ा बचा कर रखिएगा। अभी ये मैग्नेटिक अटैचमेंट जो था, सेफ्टी की भी जिसे कहते हैं, उसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक येलो कलर का एक कटआउट देखने को मिल रहा है, यहीं पे आपको ये मैग्नेटिक सेफ्टी की का जो मैग्नेट है उसे यहाँ पर चिपका देना है। जब आप एक बार इसे अटैच कर दोगे तभी आपकी मशीन रनिंग मोड में आएगी, अदरवाइज अगर ये अटैच नहीं होगा, डिसकनेक्टेड होगा, उस समय E7 एरर देखने को आपको मिलेगा। अभी आगे दिखाता हूँ कैसे E7 एरर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप वॉकिंग पैड पे जाओ, खड़े हो, तो आपको ये जो क्लिप है इसे अपने जीन्स के पॉकेट में या फिर अपने कॉलर पे या फिर अपने बाजू पे, शर्ट पे, कहीं पे भी आपको सेट कर लेना है, और उसके बाद ही आपको इस मशीन का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आप कभी भी गलती से गिरते हो तो मशीन E7 एरर दिखा के तुरंत स्टॉप हो जाएगी और आपको और ज़्यादा चोट लगने की संभावना नहीं होगी। एक्चुअली फ्रेंड, लोग जब बहुत ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग करते हैं तो उस दौरान उन्हें चक्कर भी आता है, तो गिर सकते हैं। अभी फ्रेंड, यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है इंक्लाइनेशन लेवल सेट करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने मशीन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हो जॉगिंग या रनिंग मोड के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्लिप है जिसे निकाल के आप इस अटैचमेंट को नीचे की तरफ मूव करके और फिर आप जब इस क्लिप को दोबारा से कनेक्ट कर दोगे तो ये इंक्लाइनेशन लेवल अपने हिसाब से सेट कर लेगा, और ये सबसे लोअर है, और सबसे लोअर वाले पे जब आप क्लिप लगाते हो उस समय अराउंड 12 डिग्री का इंक्लाइनेशन आपको देखने को मिल जाता है। और यकीन मानिए फ्रेंड, जब आप इसे इस्तेमाल करोगे ना बिल्कुल इंक्लाइन करके, काफ़ी मेहनत लगता है। तो चलिए अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं इस मशीन को। तो हमने जहाँ मशीन लगाना था वहाँ लगा दिया है और मशीन को अच्छे से कनेक्ट भी कर दिया है। अभी यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, इस बटन को हम ऑन करेंगे तो रेड कलर की बटन बल्ब इसमें LED ग्लो होगी, और यहाँ पर हमारा मशीन जो है वो अच्छे से ऑन हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसे मशीन को अपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले ग्लो होती है, और इस डिस्प्ले में आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती है, जैसे स्पीड, किस स्पीड पे आप दौड़ रहे हो, पल्स रेट, उसके बाद आपको डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आप दौड़े हैं, टाइम दिखाता है, और उसके बाद से यहाँ पर आपको कैलोरी बर्न्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन हो जाती है। यहाँ पे दो मोड है, एक वॉकिंग है, वॉकिंग में ग्रीन कलर की बल्ब जलेगी, LED जलेगी, और अगर आप रनिंग मोड में जाओगे 4 किलोमीटर से ऊपर तो यहाँ पे रेड कलर की LED ग्लो हो जाएगी। साथ ही यहाँ कुछ बटन्स दिए हैं, जैसे ऑटो है, यहाँ पे 12 प्रीसेट्स आप कर सकते हो, सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, स्पीड प्लस और स्पीड माइनस इन दोनों बटनों से होता है, स्टार्ट और स्टॉप का बटन तो आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड, अपने भाई को बोलता हूँ कि आके वो इस मशीन पे रनिंग करके दिखाए। तो सबसे पहले आपको ये जो मैग्नेटिक अटैचमेंट है उसे यहाँ से कनेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, सेफ्टी का हमेशा मेजर्स लेना ही चाहिए। और ये जैसे ही हटेगा तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे देखिए E7 एरर दिखा रहा है और मशीन स्टॉप हो गई है, यहाँ कोई भी फंक्शन आपको शो नहीं करेगा। तो आप कनेक्ट कर दीजिए, देन मशीन अगेन से रनिंग मोड में आ जाएगी और ये फिर से स्टार्ट होने के लिए शुरू हो जाएगी। तो अभी हम इस क्लिप को मेरा भाई अपने कॉलर में लगा लेगा, और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हैंडल बार्स में दो सेंसर दिए हैं, लेफ्ट और राइट हैंड में, इसके ऊपर पन्नी चढ़ी है, एक मिनट में इसे हटा दूँ। तो ये जो दो सेंसर्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली आपके हार्ट रेट मेजर करते हैं और आपको लगातार डिस्प्ले पे दिखाते रहते हैं कि आपका हार्ट रेट कितना दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 676 अभी मेरे भाई का दिखा रहा है, और यहाँ पे मशीन ऑन करते ही सबसे पहले मशीन आपको 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टार्ट होते हुए दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और अभी 10 सेकंड हुआ मशीन को ऑन करने, अभी आप ये प्लस वाले बटन को, जब स्पीड प्लस वाले बटन को आप दबाओगे तो स्पीड प्लस होगी,
इस तरह से आप बढ़ाते जा सकते हो और फिर स्पीड माइनस वाले बटन को आप दबाकर अपनी स्पीड को कम कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप स्पीड कम भी कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे 3 किलोमीटर की स्पीड पे मेरा भाई अभी चल रहा है। अभी मैं उससे बोलता हूँ स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, तो अब देखिए वो स्पीड बढ़ा रहा है। और स्पीड बढ़ाने के बाद आप देखिए, आप वॉकिंग पैड पे गौर कीजिए, तो यहाँ देखिए धीरे धीरे स्पीड अब बढ़ रही है और ये स्पीड को बढ़ाकर टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाने के लिए मैं इसे बोलता हूँ। तो यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है फिर, और अभी आप देखिएगा, आप इसके पैरों के मूवमेंट पे गौर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है। यहाँ पर स्पीड देखिए अब लगातार लगभग 8-9 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर की स्पीड पहुँच चुका है और अब दोस्तों फाइनली ये 12 किलोमीटर की रनिंग स्पीड है। यहाँ पे आपको बहुत थका देने वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से आपको दौड़ना होता है 12 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो अभी मैं आपको पैर दिखाता हूँ, इसका पैर पे आप गौर कीजिए देखिए। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात है कि ये जो मशीन है इसका मैंने जो भी प्राइजिंग है ये देखिए दोस्तों, ये कितना मतलब स्टेबल है। और दोस्तों अगर आप ये मशीन लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। बहुत ही स्टेबल मशीन है, होम पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। प्राइस इसके वेरी करते रहते हैं फ्रेंड, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस मशीन की प्राइस को चेक कर सकते हो। थैंक यू।